नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। रागगिरी एक मंच है जहां हम आपको अक्सर मिलवाते हैं इस देश के युवा कलाकारों से, और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बेहद युवा संतूर वादक निनाद दैठंकर से। निनाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका रागगिरी में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रागगिरी के इस मंच पे आमंत्रित किया। सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। निनाद, आपके परिचय में मैंने जरूर कहा कि बेहद युवा कलाकार, लेकिन जिस परंपरा से आप आते हैं उस परंपरा का जिक्र करना भी जरूरी है। आपके पिता पंडित शिव कुमार शर्मा के सबसे सीनियर डिसाइपल्स में से हैं, उनके सीनियर शिष्यों में से हैं। आपकी माँ भरतनाट्यम डांसर रही हैं, तो ये जो घर में संगीत और नृत्य का जो माहौल बचपन से आपको मिला है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि मेरा ताल्लुका म्यूज़िकल फैमिली से है, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे इस फैमिली में जन्म मिला। मेरे पापा डॉक्टर धनंजय दैठणकर ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी के सीनियर शागिर्द हैं, और मेरी माँ डॉक्टर स्वाति दैठणकर ये भरतनाट्यम डांसर है। मेरी बड़ी बहन नुपुर भी भरतनाट्यम डांसर और एक्ट्रेस है। तो बचपन से ही संगीत से नाता और रिश्ता रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा रुझान संगीत के तरफ और संतूर के तरफ बढ़ा। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें संगीत या संतूर में ही करियर करना है। उन्होंने हमें पूरी छूट दी थी कि जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें तुम करियर करो। लेकिन संतूर का जो नाद है, टोन जो है, वो इतना सुमधुर है कि उससे कोई भी आदमी मेस्मराइज हो जाता है। तो मैं तो बचपन से ही वो सुनता बड़ा हुआ हूँ, तो नेचुरली मेरा रुझान संतूर की तरफ बहुत बढ़ा और मैंने ठान लिया कि मैं संतूर में ही करियर करूँगा। और जब पापा को ये बात मालूम पड़ी कि हाँ अभी इसने तय किया है कि अभी ये इसमें ही करियर करे, तो उसके बाद मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग संतूर में शुरू हो गया। उससे पहले मैं सुन सुन के देख देख के संतूर बजाता था। मैं कुछ 12-13 साल का रहा होऊंगा, तब मैं कुछ गाना बजाता था, कुछ सुर ढूंढने की कोशिश करता था। और जैसे ही पापा को ये पता चल गया कि मैंने ठान लिया है कि मैं संतूर में करियर करूँगा, तब से फिर क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम मैंने फॉर्मली उनसे लेना शुरू किया। तो ऐसा मेरा आज तक का सफ़र रहा है। निनाद, अगर आप रागगिरी में हमने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं आपने देखे हों, तो हम हमेशा अपने मेहमान से ये गुजारिश करते हैं कि वो कुछ भक्ति संगीत से जुड़ा हुआ कुछ हमें सुनाएं। तो संतूर तो वैसे भी बहुत पवित्र साज है, कुछ हमें इससे भक्ति की कोई रचना सुनाइए। Thank you.
अच्छा निनाद, अब इस बात पर आते हैं कि जब पिता खुद संतूर बजाते हों, माँ डांस के बारे में बहुत डिटेल से जानती हों, तब संगीत सीखना क्या मुश्किल हो जाता है? क्या बात बात पर रोका टोकी होती है? या फिर आपको लगता है कि एक तरीके से ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपको वो सारा एनवायरनमेंट जो शुरुआत में ढूंढना पड़ता है गुरुओं को, वो सब कुछ घर पे ही मिल जाता है? जी, ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे घर में ही संगीत की दीक्षा मिल रही है। जैसे आपको सभी को मालूम होगा कि हमारा जो संगीत है वो गुरु शिष्य परंपरा का संगीत है, जिसमें गुरुकुल सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि गुरु के घर जाके शिष्य रहता था, गुरु की सेवा करता था और फिर गुरु से विद्या प्राप्त करता था। तो अभी के तो ज़माने में ऐसा हो गया है कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत कम हो गया है। और मेरे बारे में कहा जाए तो मैं तो गुरुकुल सिस्टम में ही सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ही मेरे गुरु हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो गुरु के साथ रहना, गुरु के विचार, गुरु का सहवास, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा हमारी चर्चा होती है, वो संगीत के बारे में रहती है, परफॉर्मेंस के बारे में रहती है, उनके कुछ अनुभव वो शेयर करते हैं, तो उससे वाकई बहुत फ़ायदा मिलता है। और मतलब सामने बैठ के फॉर्मल ट्रेनिंग तो होता ही है, लेकिन बीच बीच में कभी आते जाते समय कुछ पापा कुछ कंपोज करते हैं, कुछ तिहाई बताते हैं, तान बताते हैं, और ऐसा भी आदान प्रदान चलता रहता है। तो गुरुकुल सिस्टम में ही मैं सीख रहा हूँ, ये मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अभी दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि सबसे पहला क्रिटिक मेरे गुरु है और वो मेरे सामने ही रहते हैं। मैं जब रियाज करता हूँ, कुछ बजाता हूँ, तो वो सामने रहते तो उसका एक टेंशन रहता है। और दूसरी बात यह भी है कि जब बाहर बजाता हूँ तो ये भी एक टेंशन रहता है कि कहीं मैं उनके नाम को कुछ धक्का नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नेचुरली ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर धनंजय देठणकर जी का बेटा और शागिर्द, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं, ये थोड़ा टेंशन रहता है। तो दोनों तरफ से इसके फायदे भी है, थोड़े टेंशन वाली बात भी है, लेकिन मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पापा से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। निनाद, इसी से जुड़ा, आपकी उम्र बहुत कम है अभी, तो क्या कभी रियाज कम करने के लिए या इसका उल्टा, रियाज ज्यादा कर लेने के लिए और पढ़ाई कम करने के लिए डांट पड़ी है क्या? और अगर डांट पड़ी है तो वो किस्सा बताइए। जो आपने कहा उसमें जो दूसरा पार्ट था वो मेरे साथ हुआ है, कि रियाज ज़्यादा करने के लिए थोड़ी सी डांट पड़ी है। तो दरअसल किस्सा ऐसा था कि मुझे संतूर सुनना भी बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा संतूर सुनते रहता हूँ। और जब भी मैं पढ़ाई भी करता था तो संतूर बैकग्राउंड में लगाता था, क्योंकि सभी को मालूम है कि संगीत मन शांत करने के लिए और एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें संतूर तो मेडिटेशन के लिए बेस्ट माना जाता ही है। तो बात ऐसी थी कि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे और 11 बजे मेरा पेपर था, और तैयारी तो हो चुकी थी और मुझे ऐसा था कि अभी लास्ट मोमेंट में मैं कुछ रिवाइज़ नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा संतूर बजाऊँगा क्योंकि मुझे शांत रहना था, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना था। और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की वजह से संतूर बजाना भी कम हुआ था, तो 11 का पेपर था तो मैंने 9 साढ़े 9 बजे संतूर निकाला और बजाने लगा। तो वो देख के वो मेरे मम्मी पापा थोड़े से गुस्सा भी हो गए कि अरे इतने इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं तो अभी थोड़ा सा संतूर बाजू में रख सकते हो, इस पे फोकस करो। तो तब थोड़ी सी डांट पड़ी थी, हालांकि जो मुझे अच्छा लगता था वही मैंने किया, कि उससे ही मुझे बहुत सुकून मिला और मेरे पेपर्स भी अच्छे गए। तो ऐसी कुछ बातें होती रहती हैं। और जैसे कि
पहले मेरे ख्याल से जिक्र नहीं हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया है और अभी मैं एमए भी कर रहा हूँ म्यूज़िक में। तो हमारे घर में म्यूज़िक को तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई को और ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस है। मेरे पापा खुद डॉक्टर है, तो मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो पढ़ाई और संतूर, ये दोनों बैलेंस करते हुए मेरा आज तक का सफ़र रहा है। तो उससे जुड़ा हुआ ये किस्सा था। चाहे निनाद और इस इंटरव्यू को इसके अगले स्टेज में ले जाएं, अगले चरण में ले जाएं, उससे पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अच्छा सा शास्त्रीय राग सुबह का या जब भी जो भी आपके दिल के करीब हो। आपके जितने भी अभी तक के कार्यक्रम हुए हैं उसमें मुझे लगता है सबसे खास कार्यक्रम वही रहा होगा जब दर्शकों में, श्रोताओं में पंडित शिव कुमार शर्मा खुद बैठे हुए थे। क्या कुछ याद आता है उस कार्यक्रम का? जी, तो ये जो आपने किस्सा बताया ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संतूर सुनते सुनते ही मैं बड़ा हुआ हूँ। और जो संतूर के पायनियर है, संतूर के लेजेंड है, उनके सामने बैठना और बजाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और 2015 में मैंने उनके सामने पहले बार बजाया और मेरा तकरीबन 50 मिनट का परफॉर्मेंस रहा। मैंने राग बागेश्री बजाया था और उसमें जितना भी मुझे आता था और मेरे गुरु, मेरे पापा डॉक्टर धनंजय देठड़कर जी ने मुझे सिखाया था, वो सब मैंने बजाया। और ये मेरी खुशनसीबी है कि जो मैंने प्लान किया था वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। तो पंडित जी ने मुझे अच्छे से अप्रिशिएट किया, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ मुझे कुछ टिप्स भी दिया कि आगे जाके क्या करना चाहिए, किस चीज़ में मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी कई मौके ऐसे आए कि उन्होंने ऑनलाइन या यूट्यूब पे कुछ मेरे परफॉर्मेंस हुए वो सुने हैं और उसके बाद भी प्रशंसा और आशीर्वाद दिए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब है। और पंडित जी जो खुद संतूर का पर्याय हैं, संतूर का दूसरा नाम है, उनसे मिली कोई एक सीख जो आपको ताउम्र याद रहे? जी, तो जितनी बार पंडित जी से मिलने का या उन्हें सुनने का मौका मिला है, अवसर मिला है, तो वो हमेशा कहते हैं कि संगीत में शिष्य ने गुरु के सामने कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए।
तभी वो शिष्य संगीत की अच्छी तालीम शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि संगीत बहुत लोग सीखते हैं, बहुत रियाज करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आगे जाके कुछ करते हैं, क्योंकि उनके सर पे गुरु का हाथ रहता है, उनके साथ गुरु का, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सीख है, और सभी संगीत सीखने वाले, संगीत में करियर करने वाले सभी ने ये सीख अपने साथ रखनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। निनाद, मैं जब आपके वीडियोस देख रहा था तो मैंने देखा कि, और मैं अगर रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूं, तो आप 1 दशक से ज्यादा समय से सीख रहे हैं। मैंने ये देखा कि जितने भी राग आपने बजाए हैं उनमें एक विविधता है, बहुत सारा वेराइटी है। तो बहुत सारे, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट ये कहते हैं कि आप एक दो राग सीख लें और उसके बाद फिर बाकी राग अपने आप आ जाते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे राग बजाए हैं, तो इसके पीछे की सोच क्या है? जी, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का YouTube चैनल है जिसपे मैं शास्त्रीय संगीत के और पुराने क्लासिक सॉन्ग्स के वीडियोस डालते रहता हूँ। तो जैसे आपने कहा वो सच है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कुछ चंद राग होते हैं जिसपे हमारी कमांड होती है और वो अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाते हैं श्रोताओं के सामने। ये तो सच है, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन मैं ऐसा भी ट्राई करता हूँ कि मैं 3 या 4 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ जिसमें कुछ अलग अलग राग भी ट्राई किए जा सकते हैं, और ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स जैसा है क्योंकि कुछ राग ऐसे भी होते हैं कि जो कॉन्सर्ट में बजाने के लिए मुश्किल है, लेकिन 3 4 मिनट के लिए उसके ग्लिम्प्स या उस राग का मूड या फ्लेवर बनाना मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसी कारण से उस रागों का अभ्यास होता है और श्रोताओं को भी वो अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कुछ थोड़ा सा अलग करूँ, कुछ थोड़े से अलग राग में इस पे ट्राई करूँ। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, तो ये सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मर्यादित है। निनाद, रागों की चर्चा चल रही है, तो फिर अब कोई एक राग हमें आप और सुनाइए।
अच्छा निनाद, ये अंतरनाद प्रोजेक्ट जो आपका है उसके बारे में बताइए हमें। उसमें आप किस तरह से क्या उसका उद्देश्य क्या रहता है इस प्रोजेक्ट का? जी, दरअसल अंतरनाद ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये सप्तक का प्रोजेक्ट है। सप्तक हमें मालूम ही है कि देश की प्रख्यात और जानी मानी संस्था है जो सप्तक महोत्सव का आयोजन करती है अहमदाबाद में। तो उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने बजाया और वो देश के युवा और प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट को प्रेजेंट करती है। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और साथ ही साथ मैंने ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अभी बजाया हुआ है, जैसे दुर्गा जसराज जी का फेसबुक पेज है, उस पर उत्साह ये सीरीज़ हुई, उसमें मैंने बजाया। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं NCPA का स्कॉलर हूँ, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये मुंबई की एक बहुत जानी मानी संस्था है। और उनके यंग एंड प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट सीरीज़ के तहत मैंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो ऐसे कई सारे मौके मुझे इस कोरोना के लॉकडाउन के समय में मिले हैं और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि ये बड़े और प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पे मैंने मेरी अपनी कला पेश की है। अच्छा निनाद, जब आपने आपसे ढेर सारे क्लासिकल राग हमने सुन लिए, तो अब इच्छा है कि आप कुछ अगर सेमी क्लासिकल में सुनाएं, कोई ठुमरी या कोई भजन या कोई चीज जो आपको संतूर से आप हमें सुनाना चाहें वो हमें जरूर सुनाइए। निराला, आप एक बिल्कुल अभी जिसको कहते हैं, शुरुआत में मैंने कहा था कि एक यंग आर्टिस्ट हैं और हम सब जानते हैं कि अभी हाल का जो समय रहा है वो अच्छा समय नहीं रहा है पूरी दुनिया के लिए कोरोना की वजह से। मैं चाहता हूं कि जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए आप एक मैसेज दें कि म्यूजिक किस तरह से आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ इस मुश्किल वक्त में, जब आप घरों में कैद थे एक तरीके से, किस तरह से म्यूजिक ने आपको इनहेंस किया और आपको उन तनावों से दूर रखा जो संभवतः इस समाज में जो आम आदमी है उसको हुए कोरोना की वजह से। तो हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कोई मैसेज दूँ, लेकिन मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारा संगीत भी बहुत आनंददायक है। वेस्टर्न म्यूज़िक के जितना ही आनंद इसमें भी है, इसमें मनोरंजन भी है, आत्मरंजन भी है। और ये म्यूज़िक हमें लाइफ में बैलेंस रहने के लिए, शांत रहने के लिए और सुकून पाने के लिए बहुत मददगार साबित होता है।
और सभी युवा इसमें भी करियर कर सकते हैं। और एक ही बात है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए, फिर कोई भी इसमें करियर कर सकता है। तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे संगीत को भी सभी ने फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अभी माहौल ठीक नहीं है, बहुत सारी निगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन आसपास है, तो इसी समय म्यूज़िक का थेरेपी जैसे बहुत इस्तेमाल हो सकता है। और मैंने भी मेरा यूट्यूब चैनल इसी समय शुरू किया और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेस भी आए हैं कि हमें कोरोना हुआ है और हमारी हालत अभी ठीक नहीं है, बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है, लेकिन म्यूज़िक सुन के, आपका म्यूज़िक और संतूर सुन के हमें शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हेल्प हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरा कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि मैं कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पा रहा हूँ, और हमारे संगीत का यही बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये मनोरंजन के लिए तो है ही, साथ ही साथ हमें शांत करने के लिए, सुकून के लिए भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। निनाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रागगिरी के सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे और मजबूत हो, ऐसी हमारी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने इस मंच पे आज बुलाया और आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत आनंद आया, और रागगिरी के सभी दर्शकों का और श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।